पाक दोस्ती मंच की तरफ से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में मिठास लाने के लिए आज भी भारत और पाक की आजादी दिवस पर हिंद पाक बॉर्डर पर कैंडल लाइट का आयोजन किया गया। हिंद पाक दोस्ती। लेकिन हैरानी वाली बात ये रही कि इस कैंडल लाइट में सिर्फ भारत की तरफ से ही हिंद पाक दोस्ती मंच के कुछ लोग शामिल हुए। जय जगत। और इसमें पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर कोई भी पाकिस्तानी इस कैंडल मार्च में शामिल नहीं हुआ, जिससे ये साफ हो रहा था कि पिछले 23 सालों से करवाया जा रहा हिंद पाक दोस्ती मेला इस समय भारत पाक रिश्तों की वजह से खटास में है। इस मंच के मुख्य सतनाम मणि का कहना है कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों के साथ दोस्ती चाहते हैं, जिस वजह से वे आज भी कैंडल लेकर यहां पहुंचे हैं। उन्हें आशा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लोग भी इस मंच में शामिल होकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तेईस सालों तो जोड़ा हिंद पाक दोस्ती मंच फोकलोर सच अकैडमी पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी साफवा पंजाब जागृति मंच सारिया जथेबंदियां रल के असी हर साल 14 अगस्त की रात को जड़े मोमबत्तियां जगाने और सैमीनार करते हैं ते सूफी संगीत का प्रोग्राम करते हैं जिहड़ा इस बार भी नाटशाला अमृतसर च होया। साडा मंतव यही है कि दोनों देशों के दरम्यान अमन ते दोस्ती वधे। पिछले दिनों च जदों तो भारत सरकार ने कश्मीर संबंधी कुछ फैसले लाए उहदे नाल दोनों देशों च बड़ा तनाव फैल गया ते एक किस्म दे जिहड़े सरहदी लोग है उन्हां च डर पाया जा रहा कि किसी किस्म की मुड़ के जंग ना लग जाए। तो साडा असी इस प्रोग्राम राही हमेशा दोनों देशों दीयां सरकारां नूं यही संदेश देने का यतन किया कि सारे मसले गलबात राही हल होने चाहिए। देखो अही तो अखे जीरो लाइन तो पहले चले गए जिथे साडा समारक बनया 10 लोग जो मारे गए सी 1947 उन्होंने यादगार बनाई हुई उतों तक ही चले गए उत्थे मोमबत्ती जगाए लेकिन आम लोगों को नहीं जगा दी। वह कहते तुम बाहर जगाओ सारों अभी हम बहर आ के जगा रहे हैं। ये भी सरकार वालों बड़ी भैड़ी है, एक पास सू परमिशन दे रहे दूजे पास रोक रहे हैं। बाघा बॉर्डर पर निकाला गया है, ये अमन और शांति के लिए निकाला गया है ताकि दोनों देशों में शांति बरकरार हो और दोनों में दोस्ती फिर से हो जाए। साथ ही उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं आया तो उन्हें विश्वास है कि अगले साल पाकिस्तान के लोगों के दिलों में प्यार जरूर आएगा और वह भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हिंद पाक दोस्ती। दोस्ती। अमृतसर से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।